नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल, फैशन का है ये जलवा, मरजावा जैसे हाई बीच गानों पर मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए मॉडल्स ने रैंप वॉक किया तो राग भोपाली परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। किसी ने इंडो वेस्टर्न पैटर्न में ड्रेस पहनी तो किसी साड़ी की डिफरेंट स्टाइल में पहन कर रैंप वॉक किया। इन सभी का मकसद मतदान प्रतिशत को बढ़ाना था, जिसमें कुछ प्रोफेशनल्स मॉडल के अलावा शहर के अलग अलग क्षेत्रों की जानी मानी महिलाएं भी शामिल थी। खास बात यह रही कि पहली बार फैशन शो में 20 ट्रांसजेंडर ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मौका था स्वीप गतिविधि के अंतर्गत राग भोपाली 10 नंबर मार्केट में फैशन शो का। लोकतंत्र के महापर्व में अपनी शत प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला मॉडल और ट्रांसजेंडर का संयुक्त फैशन शो का आयोजन किया गया। फैशन शो में एक साथ एक ही मंच पर रैंप वॉक करते नजर आए, साथ ही समानता के संदेश के साथ लोगों से मतदान करने की अपील की। इस दौरान 19 महिला, 5 दिव्यांग, 12 फर्स्ट वोटर और स्वीप आइकॉन भी फैशन शो में शामिल रहे। इस शो में ट्रांसजेंडर के गुरु हाजी सुरैया नायक ने लगभग 3 किलो सोने की ज्वेलरी पहनकर रैंप वॉक किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन, कलेक्टर भोपाल कौशलेंद्र विक्रम सिंह, अपर कलेक्टर ऋतुराज और स्टेट स्वीप आइकॉन संजना सिंह उपस्थित रहे। बता दें कि चुनाव में सभी की भागीदारी के लिए यह फैशन शो किया गया है। फैशन शो में महिलाओं के साथ साथ किन्नर समुदाय पहली बार भोपाल में सार्वजनिक मंच पर फैशन शो में शामिल हुई। ट्रांसजेंडर्स एवं महिलाओं का संयुक्त फैशन शो में समावेशी और सुगम मतदान का संदेश दिया। वहीं मतदान की शपथ के बाद फैशन शो का समापन हुआ। मीडिया के साथ ही यहाँ पे जो भी दर्शक हैं, आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में ढेर सारा स्वागत है। और जो हमारा इंक्लूसिव वोटिंग का जो एक उसका सेगमेंट है या जो एक पिलर है हमारे वोटिंग का, उसका ये एक पार्ट है। साथ ही साथ इसके माध्यम से हम सभी लोगों को, भोपाल के सभी वासियों को जागरूक करना चाहते हैं। ये पूरा जो शो है इसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये सभी तरफ जाएगा और एक संदेश जाएगा कि हमें वोटिंग में भाग लेना है। जो भी लोग जिनका मतदाता सूची में नाम है 18+, जो भी एलिजिबल हमारे वोटर्स हैं, उन सभी लोगों को साथ के अपना वोट डालना है। तो हमें विश्वास है कि हमारी कैपिटल जो मध्य प्रदेश की है वो इस बार रिकॉर्ड मतदान करेगी, पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए जो है हम इस बार देश में नंबर 1 वोटिंग परसेंटेज में आएंगे। जनरली मानते हैं कि भोपाल में कम वोटिंग होती है, वोटिंग परसेंटेज कम रहता है, बट आई बिलीव कि इस बार जो हमारा वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत ही ज़्यादा रहेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। तो आप सब लोग जो है वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने में सहभागिता करेंगे और इस कार्यक्रम को एंजॉय करेंगे। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए प्लीज। धन्यवाद। पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे समस्त अतिथियों का बहुत स्वागत करता हूँ, साथ ही यहाँ पर उपस्थित जो दर्शक आए हुए हैं और मीडिया के सभी मीडियागण, आप सभी के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि भोपाल का चुनाव जो है 7 मई को है और इसमें सभी युवा, सभी प्रकार के जितने लोग हैं, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देना है। ये इंक्लूसिव वोटिंग का हमारा एक मैसेज है। हम लोग ये मैसेज सभी लोगों को देना चाहते हैं ताकि आप अपने घर पे, घर से बाहर निकले, पूरे परिवार के संग आए, वोट करें। ट्रांसजेंडर वोटिंग, PWD वोटर्स, 85+ वोटर्स, ये सभी एक समावेशी निर्वाचन का एक हमारा अंग है और इसी के माध्यम से आज हमारे बीच ट्रांसजेंडर फैशन शो हम लोगों ने रखा है, जो कि समस्त युवाओं को और समस्त मतदाताओं को एक मैसेज है कि आप आए और वोट करें और भोपाल को इस बार नंबर 1 बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप आए और आज के इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।